नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में मुजफ्फरपुर में बाल गृह कांड के कई दिनों बाद आज जाकर मुख्यमंत्री ने अपना मुंह इस पर खोला। नीतीश कुमार बोल रहे थे, समझना मुश्किल था कि घावों पर मरहम लगा रहे हैं या घावों को और कुरेद रहे हैं, क्योंकि आज वो प्रवचन मोड में आ गए थे। और हम लोग काम तो बहुत करना चाहते हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग शर्मसार। 32 बेटियों के बींधे हुए बदन नीतीश कुमार के लिए कई बार घट जाने वाली घटना है। बलात्कारियों का सत्ता के पालने में झूलना कई बार घट जाने वाली घटना है। कई बार घट जाने वाली घटना है 7-7 बरस की बच्चियों को रौंदने के लिए उन पर हंटर बरसाना और उस पर ये मोहिनी मुस्कान। बलाएं लीजिए, ये है बिहार के मुख्यमंत्री महान। हम लोग तो चाहेंगे कि सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे, उसकी मॉनिटरिंग में उसकी जांच होनी चाहिए, ताकि कोई इसमें दोषी है वो बचे नहीं, सब पर पूरी कार्रवाई। बिहार के अभूतपूर्व जंगल राज के स्वामी श्री नीतीश कुमार गदगद थे, मुस्कुरा रहे थे सूबे के प्रतापी उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, जिनकी जुबान मुजफ्फरपुर की बेटियों के सवाल पर तालू से चिपक जाती, और उनके बगल में विराजमान थी प्रातः स्मरणीय समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा, जिनकी निगरानी में बेटियों के लिए बनाया गया संरक्षण गृह दरिंदों का अय्याशी शिविर बन चुका था। और इस सुशासन के सिंहासन पर बैठे हुए नीतीश कुमार कथा वाचक बन गए थे, नैतिक शिक्षा के मास्टर। इतनी तकलीफ में और आत्मग्लानी के हम लोग अब शिकार हो गए, समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिकता के लोग। समाज छोड़िए सर, आप किस मानसिकता के लोग हैं? आप तो सरकार हैं, आपकी मानसिकता क्या है कि 62 दिन से आप उन मंत्रियों के साथ मौज के दिन काट रहे हैं, जिनके दामन बेटियों के लहू आंसू और चीखों से सने हुए हैं। सत्ता की भूख में सीएम साहब शर्महीन समाज शास्त्री हो गए थे। समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है। बताइए महोदय, जब आप भी कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग इसको चलाता है, तो 32 बेटियों के गद्दों के सरदारी के दाग के बावजूद कैसे बैठी हुई है मंजू वर्मा आपके बाजू में? कि समाज में कुछ ऐसी भी किसी प्रकार की घटना घटेगी तो हम लोग उसको टालते नहीं। तो और कैसे टालते हैं कि मंत्री मौज में, उप मुख्यमंत्री मौज में, मुख्यमंत्री मौज में, ऐसी मौजवादी सरकार कहां मिलेगी बिहार को? हमारा तंत्र इस तरह से विकसित होना चाहिए, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न घटें, और उसके लिए हम सबों को काम करना होगा। तो किसने रोका काम से? 62 दिन तक बिहार की बेटियों से नजर चुराने वाले मुख्यमंत्री को किसने रोका कार्रवाई से? बताएं नीतीश कुमार मुल्क की बेटियों को कि कहां है खादी में बेटियों की आत्मा से खेलने वाला वो तोंद वाला भेड़िया। बताएं नीतीश कुमार कि कहां है आपके सुशासन के वो मगरमच्छ जिन्हें पालते रहे आपके निकम्मे मंत्री। बताएं नीतीश कुमार कि कहां है इंसानियत की छाती को आपके मगरूर सुशासन के मूसल से कुचल डालने वाली वो कतारें जिनके जख्म पर हमारी बेटियों के लहू के लोथड़े हैं। क्या करेंगे? जानकारी मिल गई तो कार्रवाई हो रही है। कुछ मत कीजिए नीतीश जी, कुछ मत कीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। आप प्रिंटिंग प्रेस में बैठकर अपने सुशासन के पर्चे छपवाइए, ट्वीट कीजिए, फेसबुक पोस्ट कीजिए। जानते हैं नीतीश कुमार क्या करने आए थे? क्या करने आए थे सुशील मोदी और क्या करने आई थी मंजू वर्मा? बताएंगे तो आप शर्म से गड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के समारोह को संबोधित करने आई थी यह टोली, इसी को साहस कहते हैं। रोहित कुमार, पटना, आज तक। सवाल तो नीतीश कुमार से कोई ये भी पूछे कि आखिर क्यों अपनी समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा का इस्तीफा नहीं मांग रहे, बल्कि एक के बाद एक नई योजनाओं का ऐलान उनके साथ कर रहे हैं। जिस मुजफ्फरपुर के बाल गृह में यह कांड हुआ है वो भी मंजू वर्मा के ही महकमे के नीचे आता है, लेकिन हटाना तो दूर, नई योजनाओं के ऐलान के लिए पहुंच गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। खुद ही नहीं, उन्होंने सुशील मोदी को भी बुला लिया, 56 भोग भी लगा लिया। गरम कड़ाही में सुशासन के उबलते हुए तेल में मुख्यमंत्री जी के लिए गुलाब जामुन तले जा रहे हैं। 3 तरह की रोटी, तंदूर वाली, तवे वाली, हाथ वाली, 3 तरह का खुशबूदार भात,
ताजे फलों और सब्जियों का सलाद, मटर पनीर झोलदार, स्टार्टर के लिए टिक्का पकौड़ा लेमन जूस, बिहार के सबसे बड़े हुजूर आए हैं, तरमाल का बंदोबस्त है। ये क्या बन रहा है भाई सर? ये गुलाब जामुन में सर स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करेंगे गुलाब जामुन जी? हवाई है। अच्छा, पिस्ता, कागजी बादाम, केसर, हाँ, काजू, ये सब हवाई कटिंग कर दिए। बना किसके लिए रहे हैं ये? जो लोग सब आए हुए हैं एकदम उन्हीं के लिए है। पटना के अधिवेशन भवन के हॉल में नीतीश कुमार, सुशील मोदी, मंजू वर्मा और बड़े बड़े अफसर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे थे कि मुजफ्फरपुर को लेकर हमने कितना बड़ा काम किया है। साल दर साल गिद्धों को बेनकाब नहीं होने दिया, भेड़ियों को लाखों का भुगतान भी करते रहे, दरिंदों के खिलाफ महीनों FIR नहीं होने दी, बेटियों की चीखों को बाहर नहीं आने दिया। सब बहुत प्रसन्न थे। अब इतना काम करने में भूख तो लगी जाती है, इसलिए उसी अधिवेशन भवन के पीछे खानसामों ने हंडे चढ़ा रखे थे। ये क्या बनाया गया है? ये राइस है। कौन सा राइस है? पीच पुलाव है। पीच पुलाव है। किसके लिए बनाया गया है? ये CM के लिए, वो गेस्ट के लिए, जो समाज कल्याण विभाग के सब लोग आए उनके लिए। बिल्कुल जी जी। और ये क्या बनाया गया? ये भी राइस है सर। दो तरह का राइस बनाया गया? दो तरह का राइस। मुजफ्फरपुर के कलंक के साए में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत करने आए थे। संरक्षण का हाल देख ही चुके हैं। अब तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जैसे ही कन्या उत्थान, बालिका संरक्षण या बेटी बचाओ जैसी बातें करते हैं तो बिहार की बेटियां दहशत से भर जाती हैं। लेकिन बेटियां दहशत में है तो क्या, बाबू लोगों की जीभ का बंदोबस्त बढ़िया होना चाहिए। जमकर उड़ाइए छप्पन भोग, इंतजाम में कोई कमी नहीं है। पूरे देश में बिहार की थुथु हो रही है। सवालों के घेरे में समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग की मंत्री कुमारी मंजू वर्मा है, मुख्यमंत्री भी चुप हैं। लेकिन ऐसे में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है समाज कल्याण विभाग द्वारा, वहाँ किस तरीके के नाना प्रकार के यहाँ पर व्यंजन के बनाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एकदम ये साफ तौर पर दिखाता है कि संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। तो मुख्यमंत्री भूखे क्यों बेटियों के अंदेशे से, उप मुख्यमंत्री भूखे क्यों बलात्कारियों के अंदेशे से, समाज कल्याण मंत्री भूखी क्यों दरिंदों के अंदेशे से। अधिवेशन भवन के पीछे गरम चूल्हे पर छाए छाए उड़ रहा था तेल, इधर जीरे की बघार, उधर हींग का तड़का, उधर कसूरी मेथी की खुशबू, उधर केसर वाली रसमलाई। मुजफ्फरपुर की फिक्र में महीनों से खाना नहीं खाया है मुख्यमंत्री ने, इसलिए छप्पन भोग का बंदोबस्त है। आदमी सत्ता के सिंहासन पर बैठता है तो भूख वैसे भी ज्यादा लगती है, क्योंकि हाजमा अच्छा रहता है। आदमी बड़े बड़े गुनाह को पचा लेता है, बेटियों पर जुल्म को पचा लेता है, बलात्कार को पचा लेता है, मंत्रियों की बेदर्दी को पचा लेता है। 0% भी सही नहीं है, 100% गलत है। 1978 में मेरी शादी हुई है और उस दिन से मैं साथ रह रही हूँ। मुझे अपने पति के चरित्र के बारे में पता नहीं है क्या? 100% गलत है। सिर पर मुख्यमंत्री का हाथ हो तो मंत्री के पति को कौन छुए? ऐसा अपनापन देखा ही नहीं होगा आपने कि बेटियां सिसक रही हैं, तड़प रही हैं और मुख्यमंत्री छप्पन भोग उड़ा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री छप्पन भोग उड़ा रहे हैं, समाज कल्याण मंत्री छप्पन भोग उड़ा रही है। इस महाभोज की उठती हुई सुगंध में कौन किससे पूछता कि छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कारियों पर खजाना लुटाने वाले कुर्सियों पर कैसे बरकरार है। बिहार की बेटियों के डर के दूसरी तरफ डकार लेते हुए लौट गए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर। रायता राजनीति के तैलीय अपराधों को भी पचा देता है। रोहित कुमार, पटना, आज तक। नीतीश कुमार छप्पन भोग उड़ा रहे, विपक्ष एकजुट हो रहा है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। माना जा रहा है कुछ और नेता शामिल हो सकते हैं। मुजफ्फर की घटना को लेकर RJD नेता तेजस्वी यादव जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, धरने पर बैठेंगे और उनके साथ राहुल गांधी भी उनका साथ देंगे। तेजस्वी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं दिल्ली, अब इस पूरे मामले को अब लेके जा रहे हैं जो घटना घटी है। एकदम ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है और ये सिर्फ बिहार को ही शर्मसार नहीं किया बल्कि पूरे देश में लोगों में गुस्सा और पूरा देश इससे शर्मसार हुआ है। और जिस प्रकार से यहाँ में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके करीबियों का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे केस में, तो कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जी इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया और संरक्षण देने का काम किया।
और लगातार ऐसे हादसे जो हैं बिहार में दिन प्रतिदिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर एकदम बद से बदतर हो गया है और एकदम से अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। उस वजह से आपराधिक चुप्पी मुख्यमंत्री की 3 महीने आपराधिक चुप्पी रही, ये उनकी जवाबदेही सबसे ज़्यादा बनती थी, सुशील मोदी की जवाबदेही बनती थी, लेकिन एक भी जवाब देने से इन लोगों ने इनकार करने का काम किया। आज का जवाब जो था नीतीश कुमार का, आज हमने तो कल कहा कि हम इनकी आपराधिक चुप्पी को हम तोड़वा करके रहेंगे, और क्या संतोषजनक रहेगा कि मरमाहत हैं, दुखी हैं, ऐसा नहीं कि इनके साथ बैठ करके ये बोल रहे थे। कौन था बगल में बैठा हुआ जिन पर आरोप लगे हैं? अरे आरोप तो आप पे भी लगे, बताते ना नीतीश कुमार जी कि ब्रजेश ठाकुर पे FIR क्यों नहीं हुआ, 2 महीने बाद क्यों कार FIR हुआ? आप बताते कि जनता दल यूनाइटेड का मेंबर था कि नहीं था, 2013 में ज्वाइनिंग किया था कि नहीं किया था? आप बताते कि आपने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था कि नहीं किया था? तो आप तो नैतिकता के नीतीश कुमार धनी आदमी है ना, उनको तो अंतरात्मा जगानी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए था इस मामले को लेकर के। मंजू वर्मा का आपको लगता है इन्वॉल्वमेंट है डायरेक्ट या सिर्फ पति पर? हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम सीधे सीधे जिम्मेदार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को समझते हैं, उनको रिजाइन देना चाहिए, उनके संरक्षण में हुआ है, उनके नाक के नीचे ये सारा काम हुआ है। ये रिपोर्ट 2 बार सरकार को सौंपी गई थी, बट टिस्क की रिपोर्ट और उससे पहले भी हरपाल कौर की रिपोर्ट, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। बाल आयोग का भी था रिपोर्ट कई महीने पहले से, फिर आपका जो ये टाटा इंस्टीट्यूट वाला रिपोर्ट था, फिर DM का SP का रिपोर्ट था, क्या हुआ उस पर? कोई कार्रवाई नहीं। कल आप जब धरने पर बैठे हैं, कौन कौन लोग आपके साथ होंगे, राहुल गांधी भी होंगे? हमने सभी लोगों को न्योता दिया है, नॉन पॉलिटिकल धरना है, इसमें राहुल गांधी जी की भी मौजूदगी रहेगी, अरविंद केजरीवाल भी रहेंगे, अखिलेश जी से भी बात हुई है और पार्टियों से भी बात हुई है, तो सब पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। बाढ़ और बारिश ने आधे देश के नाक में दम कर रखा है। जी हाँ, UP में खास तौर पर कैसे अस्पताल डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, मरीजों का इलाज ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है, ये तस्वीरें देखकर आप समझ जाएंगे बाढ़ का हाहाकार। सैलाब में जिंदगी की सबसे बड़ी जंग, शहरों से लेकर गांवों तक पानी का प्रहार, नदियों के आक्रोश से गांव बन गए टापू, बादलों से बरस रही है बेहिसाब मुसीबत, आधे हिंदुस्तान में जल प्रलय आ गया है, बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा है। धरती पर लोगों का जीना मुहाल हो गया है, जमीन का नामो निशान नहीं बचा है और आसमान से बरसती मूसलाधार आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पताल डूबे हैं, घर बार डूबे हैं, गांव डूबे हैं, शहर डूबे हैं, गलियां डूबी हैं और मोहल्ले डूबे हैं, सड़कें भी डूबे हैं, हाईवे डूबे हैं, इंसान बेहाल हैं, जानवर परेशान हैं, सैलाब अपना जोर दिखा रहा है, नदियां प्रकोप दिखा रही हैं, कुदरत कहर बरपा रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बाढ़ से आधा देश त्राही त्राही कर रहा है और इस वक्त बाढ़ और बारिश से सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश में मची है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। ये है कानपुर की तस्वीर। UP में डायल 100 की गाड़ी सैलाब में डूबी है, पानी इस कदर है कि गाड़ी डूबती ही जा रही है। पुलिस की ये डायल 100 गाड़ी आई तो थी मदद के लिए, लेकिन खुद ही मदद की जरूरत पड़ गई। सैलाब में पुलिस की गाड़ी ऐसी फंसी कि पानी में पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए, सैलाब को देखकर खौफ खाने लगे और दहशत के मारे गाड़ी की छत पर बैठ गए। ये घटना कानपुर के बिल्हौर इलाके की है। पुलिस के ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से पूरी पुलिस टीम की जान जोखिम में डाल दी। डायल 100 की ये गाड़ी एक शिकायत की जांच करने मकनपुर जा रही थी। रास्ते में फरुखाबाद रेलवे लाइन के अंडरपास से होकर गुजरना पड़ता है। कई दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते अंडरपास पानी से लबालब था, लेकिन ड्राइवर ने रंगबाजी में जीप अंडरपास में उतार दी। फिर क्या था, सैलाब में ऐसा फंसे कि पुलिस वालों के लेने के देने पड़ गए और डायल 100 को खुद ही डायल 100 की जरूरत पड़ गई। गांव वालों ने 100 नंबर पर कॉल करके इनके लिए मदद मांगी और क्रेन को बुलाया गया।
आप देख सकते हैं कि क्रेन से जीप को खींचा जा रहा है। पुलिस वालों के हाथ पांव फूले हुए थे, जैसे तैसे पुलिस की पूरी टीम को क्रेन के सहारे बचाया गया। कानपुर को इन दिनों सैलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है। शहर जैसे टापू में तब्दील हो गया है। नदियों के किनारे लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। कानपुर से गुजरने वाली पांडू नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। दर्जनों गांवों के लोग अपना घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर। बाढ़ और बारिश में यूपी का भदोही शहर भी डूबा है। आप देख सकते हैं कि अस्पताल पानी पानी है, एम्बुलेंस पानी में फंसी है, अस्पताल की ओपीडी पानी में डूबी है, अस्पताल के वार्ड पानी में डूबे हैं। पानी के बीच वार्ड में मरीज खड़े हैं, अस्पताल के बेड पानी में तैर रहे हैं। सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हालात रिहायशी इलाकों के भी बुरे हैं। घरों में पानी, किचन डूबा हुआ है, घर का एक एक कमरा डूबा हुआ है, बेडरूम में बेड पानी में डूबा है। एक बजे रात से पानी तो पूरा घर में से निकाल रहे हैं, अब पूरा हमारा पांचों घर दम धस गया है, अब कब गिर जाए पता नहीं। हम लोग कार्यालय में सूचित दिए हैं और चेयरमैन को सूचित दिया, अभी तक आए नहीं। ये उस शहर की तस्वीर है जिस शहर से हर साल 6000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। जी हाँ, कालीन नगरी के नाम से मशहूर भदोही इस वक्त पानी में गोते लगाना। गौर करने वाली बात तो यह है कि यहाँ नदी में बाढ़ नहीं आई बल्कि बरसात का पानी भरा है। जरा से ये 2 घंटा बारिश हुआ, तमाम सड़क एकदम पानी में लबालब भरा हुआ है। इस रोड पे 4-4 लड़कियों का स्कूल, डिग्री कॉलेज है और नगर पालिका करोड़ों रुपया इस जल निकासी के नाम पर खर्चा कर रही है सिर्फ कागज पे। भदोही को डॉलर नगरी भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसकी पोल पानी खोल रहा है। ये है यूपी के इटावा की तस्वीर। यहाँ छोटी नदियों ने विकराल रूप धारण कर लिया है और किसानों की सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई। जब से बरसात हुई अनजय नदी है, बहुत भयंकर बाढ़ है, सब किसान मर रहे हैं, कम से कम 4-5-6 गांव है कम से कम। इटावा के बसरेहर गांव में अहनैया नदी तांडव मचा रही है, इससे आसपास के गांवों में भी बाढ़ आ गई है। कई गांव तो जल समाधि ले चुके हैं। बाढ़ ने हालात बदतर कर दिए हैं, अब न रहने को बचा है न खाने को। कम से कम साहब 1000-2000 बीघा से कम नहीं है और सब रोपा इंजन से कर करके रुपाई चुके और ताकि बाद में पूरी सब बर्बादी हो गई और मकान भी चले गए, रूपा गौ से गौ मकान भी गए। यूपी के लखीमपुर खीरी से बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। शारदा नदी में उफान के चलते इलाके में बाढ़ आई हुई है और इस बाढ़ का जायजा लेने के लिए विधायक जी पहुंचे हैं। बीजेपी विधायक के साथ पूरा सरकारी अमला है, डीएम एसपी से लेकर सारे अधिकारी। विधायक जी बाढ़ में नाव का चप्पू चलाते हुए नजर आते हैं। पहले तो नाव में पानी रिस रहा था जिसे एक आदमी बाल्टी से लगातार निकाल रहा था। बीजेपी विधायक योगेश वर्मा, खीरी के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसपी रामलाल वर्मा ने बाढ़ का जायजा बड़े ही नाटकीय अंदाज में लिया। वो कभी नाव पर, कभी नंगे पैर तो कभी भैंसा गाड़ी पर बैठे नजर आए। शारदा नदी में लगातार कटान हो रही जिससे गाँव वाले डरे हुए हैं। और यह है यूपी के जौनपुर शहर की तस्वीरें। पिछले कई घंटों से जौनपुर में जबरदस्त बारिश हो रही है, कॉलोनियों में गलियों में पानी भर गया है, वाहन डूब कर चल रहे हैं, पानी इतना कि लोग घरों में कैद होकर रह गए। इस बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। पूरे यूपी का हाल ऐसा ही है। योगी आदित्यनाथ का प्रदेश इस वक्त पानी से पनाह मांग रहा है। आज तक ब्यूरो। सिर्फ उत्तर प्रदेश में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ये बताता है कि किस तरह की परिस्थिति है इस वक्त यूपी में। लखनऊ में पिछले 24 घंटे में कहर टूटा है, किस तरह से मकानों की नींव तक हिल रही है। ऐसी बारिश, ऐसी परिस्थिति देखिए।
बरसात के इस मौसम में मौत धावा बोल रही है। बारिश ने मकानों की नींव हिला कर रख दी है। एक के बाद एक मकान जमींदोज हो रहे हैं। न जाने कितनी ही यादों को समेटे जर्जर हो चुके ये पुराने मकान यहाँ रहने वाले बाशिंदों की कब्रगाह में तब्दील होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहाँ बारिश के बाद ऐसे ही मकानों के गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कभी हुसैनगंज, कभी गणेशगंज, तो कभी अमीनाबाद, हर जगह का मंजर एक जैसा। चारों तरफ मलबा पड़ा है, चीख पुकार मची है, भीड़ जुटी है। रेस्क्यू टीमें हर एक जान की हिफाजत में लगी। लखनऊ के गणेशगंज इलाके में एक मकान का अगला हिस्सा भर भरा कर ढह गया, जिसके नीचे दबने से माँ और बेटी बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहाँ बच्ची आशी की मौत हो गई, जबकि माँ की हालत अब भी गंभीर बनी हुई। लखनऊ में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते गणेशगंज इलाके में यह मकान ढह गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और यह मकान आज सुबह ढह गया है। और इस मकान में मलबे के अंदर माँ बेटी फंस गए थे और दोनों को इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी। हालांकि जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। और जो महिला है उसका इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस मौजूद है और इस पूरे आसपास के मकानों को भी खाली करा दिया गया है। बताया जाता है कि मकान में किराएदार और मकान मालिक के परिवार को मिलाकर कुल 8 लोग रहते थे। मकान काफी पुराना था और शुक्रवार की सुबह इसका अगला हिस्सा ढह गया, जिसमें सर्वेश मिश्रा की पत्नी सरिता मिश्रा और उनकी 10 साल की बेटी आशी मलबे में दब गई। हमने पूजा कर रहे थे, ये धीरे धीरे बरामदा गिर रहा था। हम फिर बाहर निकले, हम गए ज्योति देखो तुम्हारा घर गिरा, यहीं पे हम खड़े कि इतने देर में भड़ा के गिर गया। इसमें एक महिला और उसकी एक बेटी घायल हुई है, जिनको की इलाज के लिए भेज दिया गया है। शेष मकान के हिस्से को खाली करा लिया गया है, सबको जो है और राहत कार्य जारी है। लखनऊ के अमीनाबाद की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के चलते कमजोर हो चुकी इस मकान की दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि उस वक्त मकान में कोई नहीं था, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता। लखनऊ के अमीनाबाद इलाके में कुछ ही वक्त पहले ये जो जर्जर मकान है इसकी दीवार गिर गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये जो मकान है ये बताया जा रहा है ये काफी पुराना है। शहर के हुसैनगंज में बारिश ने एक मकान की दरों दीवार कमजोर किया कि यहाँ मौत ने डेरा जमा लिया। देखिए चारों तरफ मकान का मलबा बिखरा है, ईंट पत्थर बिखरे हैं, घर का सामान बिखरा है। तो यहाँ रहने वाले चाचा भतीजे इस हादसे में जान चली गई। बची हैं तो घर की चार महिलाएं, जो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ में आज सुबह से भारी बारिश के चलते मकान गिरने का सिलसिला जारी है। हम इस समय हुसैनगंज इलाके में, आप देख सकते हैं कि ये जो मकान है बारिश के चलते पूरी तरह से गिर गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा है और ये काफी पुराना और जर्जर मकान था जो भारी बारिश के चलते गिर गया है। आप पूरा सामान बिखरा हुआ देख सकते हैं। बारिश के चलते सिर्फ मकान ही नहीं गिर रहे, बल्कि सड़कें भी धंसने लगी। तस्वीरें फिरोजाबाद की हैं। देखिए कैसे सड़क धंसी तो एक ट्रक इसमें फंस गया। आपको जानकर और ज्यादा हैरानी होगी, ये सड़क अभी हाल फिलहाल में ही बनी थी। निश्चित तौर पे ये कार्य जो है वो बहुत ही खराब गुणवत्ता का हुआ है, जिसमें किसी भी तरह की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनका ध्यान नहीं रखा गया है। वी विल टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन दिस। अब ये देखिए, अमेठी से फैजाबाद को जोड़ने वाली गोमती के पुल में दरार आ गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुल के चौथे पीपे का बेलन जमीन में धंसने से पुल के बीचों बीच दरार आई और बारिश के चलते पुल के अगल बगल की सारी मिट्टी बह गई। समस्या कि हम इस मार्ग से गुजर रहे थे, यहाँ देखा तो ये थर्ड ये जो है गाटर जो इसका है पुल धसा हुआ है। इससे अगर इस मार्ग पर ओवरलोड की अगर 4-6 ट्रक चले जाएं तो बनारस जैसी घटना हो सकती है। मौत को निमंत्रण दे रहे 1,60,00,000 के इस पुल की फिलहाल मरम्मत की जा रही है, लेकिन आसमानी आफत से उत्तर प्रदेश में जाने लगातार जा रही है। बारिश, बिजली और बाढ़ जैसे हालात ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। भारी बारिश की वजह से पिछले एक महीने में 200 से ज्यादा जाने गई, जबकि मानसून के इस मौसम में 1,259 मकान तबाह हो गए। जाहिर है बारिश ने उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है। नदियां उफन रही हैं, मकान गिर रहे हैं और आसमान से बरसती आफत फिलहाल रुकने का नाम नहीं ले रही। फैजाबाद से सुशील शर्मा, अमेठी से आलोक श्रीवास्तव के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ आज तक।
ऋषिकेश की अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ऋषिकेश में सैलाब के बीच गायों का रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा है। उसी तरह से पहाड़ों पर किस तरह से बाढ़ और बारिश का असर है, ये हरिद्वार की तस्वीरें देखिए, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें देखिए, हाहाकार है। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश से बाढ़ आई हुई है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सैलाब के बीच एक गौशाला डूबने लगी जिसमें बहुत सारी गायें, आप देख सकते हैं डूबती हुई इस गौशाला। ऋषिकेश के गौहरी में जैसे ही गाय डूबने की खबर एसडीआरएफ को मिली, फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और गायों को बचाया जाने लगा। ये देखिए कैसे गायों को गौशाला से खोलकर पानी में ले जाया जा रहा है। एसडीआरएफ के एक जवान ने गाय के बछड़े को अपनी गोद में उठा रखा है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में जमकर बारिश हो रही है, सड़कें लबालब हैं, रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। आप देख सकते हैं कि मंदिर की सीढ़ियों पर कैसे पानी झरने की तरह बह रहा है। बाजारों में सैलाब ही सैलाब है। यहाँ पानी जो भर रखा है बहुत ज्यादा भर रखा है, अभी बारिश हुई है ना तो इसकी निकासी है ना, जो लोगों के लिए जो परेशानी इतनी ज्यादा हो रखी है कि लोग गिर रहे हैं। पानी ने शहरों में मुसीबतें बढ़ा दी, बारिश के चलते सबसे ज्यादा जल भराव ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर और राम झूला में दिखा। पहाड़ों पर नदियां ऐसे उफन रही हैं कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। हरिद्वार में कांवड़ियां गंगा की लहरों में बहने लगी। कांगड़ा घाट पर स्नान कर रहे इस कांवड़िए के पैर लहरों ने कब उखाड़ दिए उसे पता ही नहीं चला। देखते ही देखते वो गंगा के बीचों बीच तेज धार में बहने लगा। वो तो गनीमत थी कि एसडीआरएफ के जवान किनारे पर तैनात थे, उसे बचा लिया गया। ये कांवड़िया दिल्ली का रहने वाला है, रवि नाम के शख्स की जैसे तैसे जान बचाई गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की ब्यास नदी में 21 साल के लड़की की तलाश चल रही है। राजवीर नाम का ये लड़का कांगड़ा के लंबा गांव का रहने वाला था और ब्यास नदी में नहाने गया था। लोगों ने बहुत समझाया कि नदी में बाढ़ आई हुई है मत जाओ, लेकिन वो नहीं माना। अपने कपड़े नदी के किनारे उतार कर वो पानी में घुस गया। इसके बाद वो कहां गुम हो गया किसी को पता नहीं। पुलिस से लेकर एनडीआरएफ ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया। आप देख सकते हैं एनडीआरएफ की टीम अपनी नावें लेकर उतरी है। पुलिस भी गोताखोरों से राजवीर को ढूंढवा रही है। घंटों की मशक्कत के बाद भी उसका कुछ अता पता नहीं और टीम को ब्यास नदी से बैरंग लौटना पड़ा। कांगड़ा से अशोक रैना के साथ दिलीप सिंह राठौर, ऋषिकेश आज तक। लेकिन ऐसे भी लोग तो हैं जो खतरा लेते हैं। आखिर उफनती नदी में छलांग लगाना, बाजी लगाने की जरूरत क्या थी? ये हुआ है हरियाणा में। दो लड़कों ने यमुना में छलांग लगाई, फिर लहरों को पार करने की बाजी लगाई। क्या हुआ देखिए। ये है मौत की छलांग, लहरों में लगी है शर्त, इसे कहते हैं आ मौत मुझे मार। ये तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाणा के बल्लभगढ़ की हैं। दो बच्चों ने यमुना की उफनती धार में नदी पार करने की बाजी लगाई। यमुना में कूदते ही कृष्णा और राहुल में आगे निकलने की होड़ लग गई। दोनों लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन नदी सिर्फ कृष्णा ही पार कर पाए। राहुल कब कहां पीछे छूट गया पता नहीं चला। काफी इंतजार के बाद जब राहुल नहीं दिखा तो लोगों को अनहोनी की आशंका हुई और फौरन एनडीआरएफ की टीम को खबर दी गई। यमुना की तेज लहरों में एनडीआरएफ की टीम कल से ही राहुल की खोज में जुटी है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। यूपी के बाराबंकी में भी बच्चों ने रेलवे ट्रैक को स्टंट का अखाड़ा बना डाला। हर रोज बच्चे लखनऊ फैजाबाद रेलवे ट्रैक पर चढ़ जाते हैं और जैसे ही ट्रेन आती है बारिश से लबालब जमुरिया नाले में छलांग लगा देते हैं। इन बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। अब सवाल यह है कि प्रशासन तब एक्शन लेगा जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी आज तक। तबाही सिर्फ यूपी में नहीं है, असम में 41 लोगों की मौत हुई है। बिहार में क्या परिस्थिति है इस रिपोर्ट में देखिए। ये असम है, माफ कीजिएगा, डूबता असम। जहां तक नजर जाती है सैलाब ही सैलाब और बाढ़ ही बाढ़ नजर आती है। आप देख सकते हैं कि झोपड़ियां डूबी हुई हैं और ये देखिए कैसे आधा पुल ही सैलाब में बह गया। घरों में पानी भरा है, ये देखिए बिस्तरों से लेकर घर का सारा सामान पानी में। सैलाब में लोग तैर रहे हैं। असम के बरपेटा में 15 गांव डूबे हैं, घर नदी में मिल गए हैं। असम के 8 जिलों में इस वक्त बाढ़ आई हुई, 1,00,000 से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पिछले 24 घंटों में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 41 तक पहुंच गई है। बिहार के बेगूसराय में सब कुछ पानी पानी हो गया है।
मूसलाधार बारिश में गली मोहल्ले सरकारी दफ्तर सब डूब गए हैं। कोर्ट परिसर हो या डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस हो, जिला परिषद मार्केट या फिर सदर अस्पताल, हर जगह पानी ही पानी है। इस पानी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुवाहाटी से हेमंता कुमार नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। तमाम खबरों पर है हमारी नजर, स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपको याद दिला दें इन्हीं खबरों के लिए आप हमारे ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें, aajtak.in पर जाएं और YouTube पर न्यूज तक को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।